नमस्कार साथियों, राजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल पर मैं राजीव मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। टैली की यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी टैली सीखने के लिए। सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और जैसे ही ये सॉफ्टवेयर लोड होगा आपको यह स्क्रीन दिखाई देगी, वर्क इन एजुकेशन मोड। अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो इसका प्रयोग करेंगे और सिंगल एंट्री मोड पर, सिंगल एंट्री यूजर पर हम जा करके एक्सेस कर रहे हैं। हमारे पास अभी तक कोई कंपनी या उसका पासवर्ड नहीं है, जैसे कि कंपनी ए का पासवर्ड नहीं पता है तो हम इसे एस्केप कर देंगे। तो टैली में सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको कंपनी इन्फो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिस पर अलग अलग ऑप्शन आप एरो की मदद से बदल सकते हैं और यहाँ पर क्रिएट कंपनी दिखाई दे रहा है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी एक लेटर अलग कलर में हाईलाइट हो रहा है उसको भी प्रेस करने पर आपकी टैली ओपन हो जाएगी। तो क्रिएट कंपनी पर चलते हैं, एंटर प्रेस कर दीजिए। कोशिश कीजिए माउस का प्रयोग कम से कम करना पड़े। सबसे पहले डायरेक्टरी ऊपर आ रही है जिसमें अभी कोई बदलाव नहीं करेंगे। आप हो सकता है नए टैली यूज़र हैं तो कुछ समय के बाद अलग वीडियो में आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। डायरेक्टरी टैली की वो लोकेशन बताता है जहाँ पर टैली अपनी फाइलों को सेव करता है। यहाँ पर पहले ही हमें डेटा सेव करने का ऑप्शन लेना चाहिए। इसके बाद कंपनी का नाम, आप जो भी अपनी कंपनी का नाम रखना चाहते हैं वो ले लीजिए। मैंने यहाँ पर दिया मिश्रा प्राइवेट लिमिटेड। ऊपर दिया गया नाम, जब आप कंपनी देखते हैं कि टैली में कौन कौन सी कंपनी बनी है उस समय इसका प्रयोग होता है। इसके बाद मेलिंग नेम, मेलिंग नेम जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हैं उन सब रिपोर्ट्स पर क्या नाम आप चाहते हैं वह लिया जाता है। आमतौर पर ज़्यादातर लोग अपनी कंपनी का नाम और मेलिंग नेम सेम रखते हैं। जैसे एक उदाहरण, ऊपर हमने लिखा IIPL और मेलिंग नेम में रखा हमने इनोवेटिव इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल लर्निंग। तो दोनों इस तरीके से भी हो सकते हैं, अन्यथा आप दोनों एक समान ही ले सकते हैं। समय बचाने के लिए पूरा एड्रेस नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। आप पूरा टाइप कर लीजिएगा अपनी कंपनी का एड्रेस। इसके बाद में आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, क्योंकि टैली विश्व के कई देशों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और उन्हीं के टैक्स पैटर्न को फॉलो करता है। यहाँ हम अपनी कंट्री का नाम देंगे। मैंने यहाँ पर इंडिया दिया, आप किसी अन्य देश का नाम यहाँ ले सकते हैं। इसके बाद जिस राज्य, जिला, तहसील के लिए हम ये बना रहे हैं उसका नाम लेंगे। बाकी डिटेल आप अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कंपनी में ऐड कर सकते हैं। एंटर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। करेंसी सिंबल रुपीज़ का आ रहा है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने करेंसी सिंबल में कोई भी बदलाव कर दिया तो वह हमेशा के लिए हो जाएगा, इसमें भविष्य में आप करेंसी सिंबल नहीं बदल पाएंगे। माना कि आप डॉलर, यूरो जैसे किसी करेंसी सिंबल का इस्तेमाल अभी करते हैं और भविष्य में इसे आप अपने देश की करेंसी सिंबल में बदलना चाहते हैं तो यह टैली में संभव नहीं होगा, इसलिए
बहुत ही सोच विचार कर मुख्य राशि यानी कि करेंसी सिंबल का प्रयोग करें। इसके बाद क्योंकि आप एक ट्रेडिंग कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ले लेना चाहिए। अगर आप सिर्फ सर्विस सेक्टर के लिए कार्य कर रहे हैं तो आप अकाउंट्स ओनली ही चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री का प्रयोग कर रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर आपका वित्तीय वर्ष 1/4/2020 से हम शुरू कर रहे हैं और उसी दिन से हम अपनी खाता प्रणाली यानी कि लेखा अपनी अकाउंट बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर में काम करना चाहते हैं उस पर इसका प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद आप अपनी कंपनी को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके सिवाय कोई और इस कंपनी को ना खोल पाए तो आप यहाँ पर अभी पासवर्ड दे सकते हैं या फिर भविष्य में भी पासवर्ड दिया जा सकता है टेलीवॉल्ट पासवर्ड के माध्यम से। मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ, आप हमेशा याद रखें अगर आप एक लाइसेंस्ड टेली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी पासवर्ड भूलने पर। अगर आप एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हमारी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो भविष्य में पासवर्ड भूलने पर आपको परेशानी होगी, तो कृपया करके पासवर्ड को याद रखें। मैंने यहाँ 6 अंकों का पासवर्ड दिया, आप पासवर्ड इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। रिपीट किया मैंने पासवर्ड को। फिलहाल मैं एक ही लेवल की सिक्योरिटी टेलीवॉल्ट पासवर्ड से दे रहा हूँ। दूसरे लेवल की सिक्योरिटी के लिए आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर ऑन करना होगा, जिसको आने वाली वीडियो में हम सहयोग देंगे, बताएंगे आपको, क्योंकि अभी दो पासवर्ड यूज़र में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसके बाद के ऑप्शन आप एंटर करके खाली छोड़ सकते हैं, कंट्रोल ए का प्रयोग कर सकते हैं या फिर एक्सेप्ट कराने के लिए आप एंटर प्रेस करेंगे और आपकी कंपनी लोड होगी, जिसमें पहले यह आपसे टेलीवॉल्ट पासवर्ड मांगेगा। आपके दिए गए पासवर्ड को यहाँ अंकित करें और उसके बाद एंटर की का प्रयोग करें। कुछ ही क्षण में आपके द्वारा बनाई गई कंपनी लोड हो जाएगी और आपका गेटवे ऑफ टेली आपके सामने होगा। यह गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन है जो दो भागों में विभाजित है। बायां भाग लेफ्ट हैंड साइड आपको बता रहा है कि आपने कौन सी कंपनी ओपन की है और दाएं हाथ पर राइट हैंड साइड में उससे रिलेटेड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और कार्य करेंगे कंपनी इन्फो में। फिलहाल मैं आपकी टैली को यानी कि कंपनी को बंद कर रहा हूँ। बंद करने के लिए दाएं हाथ पे राइट हैंड साइड पर दिए गए ऑप्शन का प्रयोग बटन बार से किया जा सकता है, लेकिन आपको साथ साथ शॉर्टकट की सीखनी है तो आप ऑल्ट F1 का प्रयोग करेंगे। ऑल्ट F1 से आपकी कंपनी क्लोज हो जाती है। उसके बाद दोबारा आपको क्रिएट कंपनी की आवश्यकता नहीं है, आप यहां पर सेलेक्ट कंपनी का प्रयोग करेंगे। अर्थात क्रिएट कंपनी का मतलब नई कंपनी बनाना, सेलेक्ट कंपनी का मतलब कंपनी को ओपन करना और शट कंपनी का अभिप्राय कंपनी को बंद करने से है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कंपनी या F1 का प्रयोग कर सकता हूँ।
मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी का प्रयोग किया। इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टैली में कई कंपनियाँ बनी हुई हैं, लेकिन आपकी कंपनी मिश्रा प्राइवेट लिमिटेड आपको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उस पर आपने टैली वॉल्ट पासवर्ड का प्रयोग किया है। वॉल्ट पासवर्ड लगाई गई कंपनी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यह आपकी वॉल्ट पासवर्ड कंपनी है, जिसका एक कोड टैली ने आपको दिया है। आप जब किसी कंपनी पर कार्य करेंगे या कंपनी में कार्य करेंगे, तो वहाँ एक ही टैली में कंपनी बनानी होगी। मैं यहाँ आपको कंप्यूटर सिखा रहा हूँ, तो मुझे डेमो देने के लिए, प्रैक्टिकल के लिए कई सारी कंपनी बनानी पड़ती है। मैंने यहाँ इस कंपनी को लिया, एंटर किया और अपना पासवर्ड यहाँ टाइप किया। एंटर करते ही मेरी वही कंपनी लोड हो गई। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर मिश्रा कंपनी लोड है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप कंपनी टेलीवॉल्ट पासवर्ड से बनाते हैं, तो उसका एक कोड टैली जनरेट करती है और वह लिस्ट में डॉट की लिस्ट में नीचे आता है। जैसा कि यहाँ डॉट की लिस्ट में आप नीचे देख पा रहे हैं, जिस किसी कंपनी पर वॉल्ट पासवर्ड नहीं है, उसको डायरेक्टली ओपन किया जा सकता है। अगर उस पर दूसरे लेवल का पासवर्ड प्रयोग नहीं किया गया होगा, तो हम अपनी कंपनी पर कार्य करते हैं। अब कंपनी में कुछ बदलाव करने के लिए आपको कंपनी इन्फो में जाना होगा। आप दाएं हाथ पर कंपनी इन्फो का ऑप्शन देखेंगे, जिसमें आप ऑल्ट F3 का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ बटन बार पर आपकी स्क्रीन पर बहुत छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा F3 और उसके नीचे एक सिंगल अंडरलाइन है, अर्थात यह ऑल्ट के साथ कार्य करेगा। अगर डबल अंडरलाइन होता, दो अंडरलाइन होते, तो आपको कंट्रोल के साथ प्रयोग करना है। तो इस स्क्रीन पर कंपनी इन्फो में जाने के लिए हम ऑल्ट F3 का प्रयोग कर रहे हैं। कंपनी के फॉर्म में कोई भी बदलाव करने के लिए आप ऑल्टर नाम का ऑप्शन प्रयोग कर सकते हैं, और इस पर आपने जो भी बदलाव करना है वो बदलाव किया जा सकता है, सिर्फ दो बदलावों को छोड़ करके। प्रथम, मुख्य डायरेक्टरी नामक ऑप्शन आपकी टैली सॉफ्टवेयर से गायब हो गया है। उसके अलावा वॉल्ट पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा। मैंने इस कंपनी में एक छोटा सा बदलाव किया, इस कंपनी के नाम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैंने इसे राजीव मिश्रा प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है, और बार बार एंटर की प्रेस करने की बजाय मैंने एक शॉर्टकट की कंट्रोल ए का प्रयोग किया। कंट्रोल ए दिए गए स्क्रीन पर एक्सेप्ट की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल ए, बदलाव शुरू हो गया। अब कंपनी को दोबारा से आप देख पा रहे हैं कि कंपनी का नाम बदल करके राजीव मिश्रा प्राइवेट लिमिटेड हो गया है। ऑल्टर की सहायता से ही आप किसी भी कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। मैं आपकी कंपनी को आपके लिए डिलीट कर रहा हूं। उसके लिए मुझे ऑल्टर में जाना है। मैं ए प्रेस करके या एरो की सहायता से ऑल्टर पर जा सकता हूं। तो मैंने ए प्रेस किया, ऑल्टर। कंपनी के फॉर्म पर जा करके मैंने ऑल्ट डी का प्रयोग किया। ऑल्ट डी डिलीट की एक शॉर्टकट की होती है, ऑल्ट डी। अगर मैंने यह कंपनी डिलीट कर दी, तो यह
रिसाइकल बिन से भी वापस नहीं आएगी, क्योंकि इसका रिकॉर्ड रिसाइकल बिन में नहीं होता है। कंफर्मेशन कर रहा है आपकी मेहनत खराब हो सकती है, मैं इसको फिर भी डिलीट कर देता हूँ। मैंने यह कंपनी डिलीट कर दी। सिलेक्ट कंपनी में आप पाएंगे कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड एक ही कंपनी आ रही है। दोबारा से एक कंपनी क्रिएट कंपनी के माध्यम से हम बनाते हैं। मैंने यहाँ राजीव लिखा, बाकी चीज़ों को यथास्थान छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए मैंने वॉल्ट पासवर्ड का प्रयोग किया, जो भी पासवर्ड मैं देना चाहता हूँ। इसके बाद मैंने कंट्रोल ए का प्रयोग किया, पासवर्ड फिर से, और कुछ क्षणों में आपकी कंपनी लोड हो रही है। अभी तक आपने सीखा कि एक कंपनी कैसे बनाई जाती है, कंपनी को ऑल्टर करना, शट करना एवं कंपनी को डिलीट करना और टेलीवॉल्ट पासवर्ड का प्रयोग करना आप सीख गए हैं। यहाँ आप पाएंगे कि अभी आप एक गेटवे ऑफ टेली के कंपनी इन्फो में हैं। पीछे आने के लिए आप एस्केप बटन का प्रयोग करेंगे, एक बार और एस्केप बटन आप प्रेस करेंगे और आप टेली से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि क्लोज का बटन टेली पर कार्य नहीं करता है। तो जैसा कि आपने देखा कि टेली सॉफ्टवेयर इस प्रकार आपके लिए सहयोग देता है आपके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, कुछ साधारण चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए। इसके साथ ही मैंने आपके लिए कुछ शॉर्टकट की जो मैंने आज प्रयोग किए हैं एवं एक असाइनमेंट आगे दिया है, कृपया करके उसको सॉल्व करें और अगली वीडियो में आपको उसका उत्तर भी मिलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट है जिसमें हमने आपके लिए असाइनमेंट दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको बोनस क्वेश्चन आज, क्योंकि ये पहला चैप्टर है आपके लिए, साथ में शॉर्टकट कीज दी गई हैं चैप्टर वन की, और आने वाले चैप्टर की भी शॉर्टकट की आपको कुछ दी गई है। इसके साथ साथ टैली का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा इसी पीडीएफ के अंदर, और प्रैक्टिकल टास्क जो कि आप करेंगे अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर, वहाँ नीचे दी गई है। ध्यान रखिएगा कि इसमें फिर आपको बटन बार की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि लैपटॉप पर टैली की शॉर्टकट कीज नहीं चल पाएंगी आपसे। नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं, टैली का चैप्टर वन है हमारे पास। इसमें आपको 5 ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं, इस ट्रू फॉल्स के आंसर आपको देने हैं, एंड एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, एक ऑप्शन आपको करना है। साथ ही साथ 5 शॉर्ट आंसर हैं जो एक वर्ड में या 2-3 वर्ड में आप अपना आंसर दे सकते हैं। साथ ही साथ आप टैली का बोनस क्वेश्चन पाएंगे, 15 क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स हैं, और इन सभी के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या हमारे ईमेल एड्रेस पे दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसकी एक वीडियो एक्स्ट्रा मिलेगी जिसमें इनको सॉल्व भी किया गया होगा। चैप्टर वन में मैंने जिन शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। चैप्टर टू भी आपके लिए है, और ये टैली का सिलेबस, हम क्या क्या पढ़ाएंगे आपको टैली के अंदर। नीचे आप पाएंगे प्रैक्टिकल टास्क, बिल्कुल ऐसे ही आपको एक कंपनी क्रिएट करनी है, और कुछ चीज़ें जो एप्लीकेबल ना हो उन्हें आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आप अपनी कंट्री, अगर आप किसी और देश में इसे देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, कंट्री बदल सकते हैं, वहाँ की करेंसी सिंबल, बाकी इन्फॉर्मेशन आप सेम भी रख सकते हैं। टेलीवॉल्ट पासवर्ड आप चाहें तो ब्लैंक कर लीजिएगा, नहीं तो आपने टेलीवॉल्ट पासवर्ड को डालना सीख ही लिया है, इसका इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको अलग अलग चैप्टर में दूंगा जिसमें आप पाएंगे कि आपको क्वेश्चंस के आंसर भी दिए गए हैं। चैप्टर टू की जब वीडियो आपको मिलेगी
उसमें आपको कुछ इस तरीके की आंसर की मिल जाएगी। और फिर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी, और जल्दी से हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब आंसर देना ना भूलें। धन्यवाद।